ब्यूटी डांस के लिए फेमस थी ये लड़की, फिर लाइफ में आया दर्दनाक ट्विस्ट। 10 अगस्त को बेंडिट क्वीन फूलन देवी की बर्थ एनिवर्सरी है। बिहार और चंबल में कई ऐसी दस्यू सुंदरियां आईं जिन्होंने अपना टेर पूरे इलाके में फैलाया। इस मौके पर ऐसी ही दबंग महिला डकैत के बारे में बता रहा है, खूबसूरती और डांस के लिए मशहूर थी पुतली बाई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बबरी गांव में एसगरी बाई रहती थी पुतली बाई। शशि की बेटी थी, मां के कदमों पर चलते हुए उसने भी महफिलों में नाचना गाना शुरू किया और मशहूर हो गई। उसकी खूबसूरती के चर्चे आगरा लखनऊ तक थे। वो कुछ समय आगरा भी रही लेकिन शहर रास नहीं आया। 1950 के दशक में बीहड़ सुल्ताना डाकू के टेर में था। उसी साल पुतली बाई एक डांस प्रोग्राम के लिए माँ के साथ धौलपुर राजस्थान गई थी। सुल्ताना भी उस जमींदार के घर पहुँच गया जहाँ पुतली नाचने गई थी। उसने वहीं से उसे किडनैप कर लिया था और फिर जबरदस्ती शादी कर ली। डाकू सुल्ताना को पुतली से प्यार हो गया। वो लगातार पुलिस से बचकर भागता रहता था। पुतली इसी बात से परेशान रहती और बार बार घर जाने की जिद करती। उसकी बात मानकर डाकू उसे दोबारा असगरी बाई के पास छोड़ गया था। पुतली बाई घर तो लौटी लेकिन पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पूछताछ के नाम पर पुलिस ने लगातार उसे टॉर्चर किया। इससे परेशान होकर वो दोबारा सुल्ताना के पास भी हर लौट गई और फिर कभी घर नहीं लौटी। पुतली ने जल्दी ही बंदूक चलाना भी सीख लिया। वो सुल्ताना के साथ मिलकर डकैती करती थी। यही नहीं, वो बंटवारे की इंचार्ज भी थी। शाह आलम के मुताबिक लूटपाट के दौरान वह अपने शिकार की उंगली काट लेती थी। 25 मई 1955 को मुरैना के अर्जुनपुर गांव में पुलिस से हुई मुठभेड़ में सुल्ताना मारा गया। उसके मरते ही पुतली बाई कमजोर पड़ गई और बाबू लोहार नाम के डकैत गैंग लीडर बन बैठा शाह आलम। बताते हैं बाबू लोहार ने अपने साथियों के सामने पुतली का रेप किया था। इस अपमान का बदला पुतली ने पुलिस के साथ हुए एक और एनकाउंटर में लिया। उसने मौका मिलते ही बाबू लोहार को गोली मार दी और खुद गैंग की सरदार बन गई। पुतली ने गैंग के ताकतवर सदस्य पहाड़ा और कल्ला से समझौता कर नई गैंग बनाई। शाह आलम के मुताबिक ग्वालियर में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान पुतली के हाथ पर गोली लगी थी। हाथ इतनी बुरी तरह जख्मी था कि डॉक्टर को उसे काटना ही पड़ा। घटना के कुछ ही दिनों बाद पुतली बाई का सामना पुलिस से हुआ। उसने एक हाथ से ही गोली चलाते हुए पुलिस को छकाया था। 23 जनवरी 1958 में मुरैना जिले के कौनथल गांव में पुतली बाई के गैंग को पुलिस ने घेर लिया। आसपास के सभी गांवों में हथियार बंद पुलिस मौजूद थी। घेराबंदी देख कल्ला ने गैंग दो हिस्सों में बांट दिया। 5 आदमियों के साथ वो एक और बड़ा गैंग के बाकी 10 सदस्य पुतली बाई के साथ निकल गए। चंबल में एक पहाड़ी के पीछे छुपी पुतली ने नोट फेंकने शुरू किए। वो मौका पाकर खुआरी नदी में कूद गई। वो एक हाथ से तेजी से तैर रही थी। पुलिस ने नदी में ही उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन उसने एक हाथ से ही नदी पार कर ली। दूसरे छोर पर भी पुलिस पुतली का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही फायरिंग शुरू हो गई और वो वहीं ढेर हो गई।